हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हम शुरू कर रहे हैं IBPS PO और क्लर्क के टारगेट बैच का क्लास 1, और इसमें हम स्टडी करेंगे प्रपोजिशन और वोकेबलरी, जो कि सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है और इंग्लिश के सभी सेक्शंस में इसका यूज़ होता है, प्रपोजिशंस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कोई भी क्वेरी है ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के रिगार्डिंग, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी दिया है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और एग्जामिनर का फेवरेट है सभी बैंकिंग एग्जाम में, और ये पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, स्पॉटिंग रर में, क्लोज टेस्ट में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में और फ्रेजल वर्ब में। तो इंग्लिश के इन सभी सेक्शंस में प्रपोजिशंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्रपोजिशन है क्या। तो हम इसका अपने स्कूल के टाइम से ही यूज़ कर रहे हैं प्रपोजिशन का, और हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको हम ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पाते, तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिए हुए हैं, 3-4 सेंटेंस। द बुक लाइज इन योर हैंड्स, और इट इज़ ऑन योर टेबल, यू आर एट द टेबल, यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द बुक, एंड दिस इज इनफ फ्रॉम द दिस इज इनफ फॉर द टाइम बींग। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि सभी नाउन्स हैं यहाँ पर, जैसे ये हैंड इस सेंटेंस में नाउन है, यहाँ पर टेबल नाउन है, यहाँ पर टेबल नाउन है, ठीक है, यहाँ पर ये बुक नाउन है, और यहाँ पर ये टाइम नाउन है। तो इन सभी नाउन से पहले इसमें प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन है, और यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर एट है, ठीक है। तो प्रपोजिशन एक्चुअली नाउन या प्रोनाउन से पहले हम यूज़ करते हैं उस नाउन की पोजीशन को दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुक लिखा हुआ है, यहाँ पर हैंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस बुक की पोजीशन हैंड के रिलेशन में क्या है, ये हम इन के थ्रू यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो नाउन्स को ये कनेक्ट कर रहा है, ये प्रपोजिशन, बुक को और हैंड को, और हैंड की पोजीशन भी यहाँ पर ये बता रहा है। तो प्रपोजिशन का काम होता है दो नाउन्स को कनेक्ट करना, और दो नाउन का रिलेशन बताना, और एक नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन के रिलेशन में बताना। तो ये प्रपोजिशन का काम है, और ये जो प्रपोजिशन होते हैं ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। जैसे यहाँ पर सभी में देखिए, यहाँ पर टेबल से पहले है, यहाँ पर ये टेबल से पहले है, यहाँ पर हैंड से पहले है, यहाँ पर बुक से पहले है, फ्रॉम। तो सभी सेंटेंसेस में नाउन से पहले इस प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट समझिए कि ये पोजीशन बताते हैं और दो नाउन का रिलेशन भी बताते हैं, तो ये तो एक इसका बेसिक काम है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे पढ़ते हैं। द प्रपोजिशन इंडिकेट द पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन एंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन द टू नाउन। मतलब नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन बताता है और दो नाउन को कनेक्ट भी करता है। इट इज़ यूज बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, हमेशा ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है, एंड जो नाउन या प्रोनाउन इसके बाद यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पर योर हैंड है, ठीक है, तो ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ है, ये आपको समझना है। इट इज़ यूज बिफोर द नाउन और प्रोनाउन एंड दे आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। सिंस दे आर द ऑब्जेक्ट्स, दे आर यूज इन द ऑब्जेक्टिव केस। इस चीज़ को आपको समझना है कि जैसे यहाँ पर प्रपोजिशन के बाद ये जो नाउन दी है, बुक दी है, यहाँ पर इनके बाद हैंड दिया हुआ है, तो हैंड और बुक ये प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, और इनको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और इसीलिए इसके बाद आने वाले प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। मतलब प्रपोजिशन के बाद कोई भी आपका प्रोनाउन आएगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्रीफली आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और पजेसिव केस क्या होता है। ये तीनों ही केस प्रोनाउन के होते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का मतलब है कि ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे ये सारे प्रोनाउन, ठीक है। जैसे शुरुआत में आएंगे, जैसे आई लाइक हिम, तो आई इसमें सब्जेक्टिव केस में है और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, और ये हैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। हिम, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, दे की जगह देम, यू की जगह यू, और वी की जगह अस। ये हैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, और ये है पजेसिव केस के प्रोनाउन। इनके थ्रू हम पजेसन यानी अधिकार दिखाते हैं कि दिस इज हिज पेन, दिस इज हर बुक, दिस इज देयर हाउस,
तो ये हैं आपके पजेसिव केस के प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउंस के केस आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और प्रपोजिशन के बाद यदि कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसको हम किस केस में रखेंगे, उसको हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि वो प्रोनाउन जो है वो उस प्रोनाउन का प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्टिव केस में उसको हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा। ये तीन यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, ये तीन आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। लेकिन इन एग्जाम्पल को समझने से पहले आपको यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक प्रिंसिपल्स को आप समझ लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई भी क्वेश्चन आप बैंकिंग एग्जाम में कर पाएंगे, चाहे वो स्पॉटिंग एरर का हो, चाहे वो फिलर का हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, चाहे फ्रेज रिप्लेसमेंट का हो। अल्टीमेटली एग्जामिनर चेक करता है आपके बेसिक्स और आपके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए, राम लाइक्स बुक्स। ठीक है, इसमें वर्ब से पहले वाली जो पोजीशन होती है वो सब्जेक्ट की होती है, और वर्ब से वर्ब के बाद वाली जो पोजीशन होती है वो किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब के पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन होती है। यहाँ पर देखिए, जैसे राम नाउन है, बुक नाउन है, यहाँ पर दे प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, क्योंकि नाउन के स्थान पर ही हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये एक सेंटेंस है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो आप अपने कॉमन सेंस से बताएं कि स्विमिंग इसमें क्या है। ठीक है, स्विमिंग किस स्थान पर आ रहा है, स्विमिंग आ रहा है सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, और सब्जेक्ट के स्थान पर जो वर्ड आता है वो क्या होता है, वो होता है नाउन। तो इसलिए स्विमिंग यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। लेकिन स्विम जो है वो अपने आप में एक वर्ब भी है, तो आप कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है वर्ब का और नाउन का। ये पूरी तरह वर्ब भी नहीं है और पूरी तरह नाउन भी नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि ये एक वर्बल नाउन है। और वर्बल नाउन को हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, और उसको हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं जेरेंड। ठीक है, तो जेरेंड जो फॉर्म होती है वो एक्चुअली नाउन फॉर्म ही होती है। तो एक चीज़ तो आपको ये समझना है, और एक चीज़ आपको ये समझना है, जैसे यहाँ पर बुक है और बुक नाउन है। ठीक है, तो नाउन से पहले हमने यहाँ क्या लगाया है, हमने यहाँ लगाया है प्रोनाउन का पजेसिव केस। दिस इज मी बुक नहीं बोला, यहाँ पर बोला है दिस इज माई बुक, और ये सेंटेंस सही है। यानी नाउन से पहले हम प्रोनाउन का पजेसिव केस लगाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, और इन कॉन्सेप्ट के बेस पर काफ़ी क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे आई बिलीव इन ही होगा या हिम होगा। अब चूंकि इन एक प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो इसलिए यहां पर आपका सही आंसर होगा हिम, ना कि हे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक प्रोनाउन है, ठीक है, प्रपोजिशन है, इन एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हम किसको रखते हैं, प्रपोजिशन के बाद हम नाउन को रखते हैं। ठीक है, तो लर्न या लर्निंग में से कौन सा नाउन फॉर्म है। जैसे मैंने अभी स्विमिंग में बताया था आपको कि स्विमिंग एक नाउन फॉर्म है, एक वर्बल नाउन है, एक जेरंड है। तो यहां पर इन दोनों में से लर्न तो वर्ब है, और लर्निंग क्या है, वर्ब भी है और नाउन भी है, यानी एक जेरंड है। तो यहां पर इस प्रपोजिशन के बाद मैं रखूंगा लर्निंग को, लर्निंग इसमें सही आंसर होगा। यानी प्रपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम रखते हैं, जेरंड फॉर्म को हम रखते हैं, और प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। तीसरे कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पर माई फादर ऑब्जेक्टेड टू मी माई गोइंग आउटसाइड आफ्टर 8 PM। अब आपको इसमें बताना है कि गोइंग क्या है। ठीक है, गोइंग एक जेरंड फॉर्म है, यानी एक नाउन फॉर्म है, और नाउन से पहले हम प्रोनाउन का पजेसिव केस लगाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बुक जो नाउन है, इस नाउन से पहले मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे माय लगाया है। तो इसलिए यहाँ पर माय आपका जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, माय फादर ऑब्जेक्टेड टू माय गोइंग आउटसाइड आफ्टर 8 PM। तो यहाँ पर आपका माय सही ऑप्शन होगा। ये हैं आपके प्रपोजिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इन कॉन्सेप्ट के बेस पर काफ़ी क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमने कंक्लूजन निकाला कि ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आफ्टर ए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन का कौन सा केस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो एक तो कंक्लूजन हमने ये निकाला यहां पर। सेकंड कंक्लूजन क्या है,
वर्ब प्लस आई एन जी जेरेंड आफ्टर ए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हम वर्ब प्लस आई एन जी लगाएंगे यानी जेरेंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल पर देखिए, ये जेरेंड फॉर्म हमने लगाया है, यहां पर लर्निंग लगाया है इन के बाद, इन एक प्रपोजिशन है और यहां पर ये लर्निंग लगाया है यानी जेरेंड फॉर्म लगाया है। और तीसरा क्या है कि पजेसिव केस प्रो नाउन बिफोर अ जेरेंड, ये यहां पर जेरेंड है, गोइंग यहां पर एक जेरेंड है, वर्बल नाउन है, इससे पहले हमने क्या लगाया है पजेसिव केस, ठीक है, क्योंकि ये एक नाउन है। ठीक इसी तरीके से यहां पर बुक से पहले हमने माय लगाया है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट के बेस पर आपके काफी क्वेश्चन इसमें आपके बन जाएंगे। तो ये पार्ट वन है इसका ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का। इसके बाद पार्ट टू में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और बीच बीच में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे प्रपोजिशन के, और इसमें सभी ग्रामर्स के टॉपिक, सभी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पूरा इसमें कवर आपका करवाया जाएगा, जो कि टारगेट बैच है IBPS PO और क्लर्क का। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी इनके बारे में डिटेल्स में मैं आपको किस तरीके से ये यूज़ होते हैं आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको। देखिए सिंपल प्रपोजिशन में ये छोटे छोटे वर्ड आते हैं, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ठीक है, ये है सिंपल प्रपोजिशन। और यदि दो प्रपोजिशन को आप जोड़ दें, जैसे विद और इन, इन दोनों को आप जोड़ जोड़ दें तो आपका बन जाएगा विद इन, और वो होगा कंपाउंड प्रपोजिशन। तो ये सारे हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। इन सभी वर्ड को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, बियॉन्ड, इनसाइड, अबाउट, ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर केवल आप बेसिक्स आप समझें इनका। और एक होता है फ्रेज प्रपोजिशन, ठीक है, फ्रेज प्रपोजिशन का, फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड, और ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ यदि कोई प्रपोजिशन लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे फ्रेज प्रपोजिशन, जैसे इन स्पाइट ऑफ, तो इसमें इन स्पाइट दो वर्ड है और एक प्रपोजिशन लगा हुआ है, इन लियू ऑफ दो वर्ड हैं और एक प्रपोजिशन लगा हुआ है, ये सारे हैं आपके फ्रेज प्रपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद, डिस्पाइट भी हम बोलते हैं इसको, लेकिन डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते। इन लियू ऑफ का मतलब इसके स्थान पर, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब इसकी इसकी वजह से। अब देखिए ये जो फ्रेज प्रपोजिशन है, ये इनमें जो प्रपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, इन स्पाइट के बाद ऑफ ही आएगा, इन लियू ऑफ, इन लियू के बाद ऑफ आएगा और ऑन अकाउंट के बाद ऑफ आएगा। यहाँ पर यदि ऑफ की जगह मैं कर दूँ फ्रॉम तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कर दूँ मैं इन टू तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर कर दूँ मैं टू तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपकी एबिलिटी को चेक करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ही फाइनली सक्सीडेड इन, ही फाइनली सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ ग्रेट ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, तो ये इन स्पाइट ऑफ का इस तरीके से इसमें यूज हुआ है। पार्टिसिपल प्रपोजिशन जो ING फॉर्म वाले जो वर्ड होते हैं, जिनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशन, यदि ये दोनों वर्ड, ठीक है, बारिंग और कंसिडरिंग। बारिंग का मतलब होता है इसको छोड़कर, यानी एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट एक प्रपोजिशन है, तो इसलिए बारिंग भी एक प्रपोजिशन है। जब इन वर्ड का यूज़, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं या ING फॉर्म हैं, इनका यूज़ हम जब प्रपोजिशन की तरह करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशन। तो ये चार तरह के प्रपोजिशन है, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज प्रपोजिशन और पार्टिसिपल प्रपोजिशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यूज़ हुआ है, देयर हैवंट बीन टू मैनी कम्युनल राइट्स इन रीसेंट टाइम बारिंग दोज इन द आफ्टर मार्थ ऑफ December 6। मतलब December 6 के बाद जो राइट्स हुए हैं उसको छोड़कर रीसेंट टाइम में कोई भी ज़्यादा राइट्स या दंगे नहीं हुए हैं। बारिंग का मतलब है इसको छोड़कर। तो यहाँ पर ये चूंकि प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है तो इसलिए ये जो वर्ड है इसको हम प्रपोजिशन बोलेंगे। इसका ये इक्विवेलेंट है एक्सेप्ट के, ठीक है, एक्सेप्ट यानी इसको छोड़कर, और ये प्रपोजिशन प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल प्रपोजिशन। तो ये चार तरह के प्रपोजिशन हैं और इनको बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वर्ड प्रपोजिशन कॉम्बिनेशन, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर वर्ड के बाद पर्टिकुलर प्रपोजिशन का ही यूज़ होता है। यदि आप दूसरा प्रपोजिशन लगा देंगे तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, और ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका सेंटेंस करेक्शन में, इम्प्रूवमेंट में, फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में। देखिए जैसे कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हम हमेशा ऑन ही लगाएंगे, ठीक है, प्रोफिशिएंट के बाद इन लगाएंगे, अनअवेयर के बाद ऑफ लगाएंगे, और प्रिवेंट के बाद फ्रॉम लगाएंगे, एडिक्टेड के बाद हम टू लगाएंगे।
तो इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये एक वर्ड है और ये एक प्रपोजिशन है, ये एक वर्ड है, ये एक प्रपोजिशन है। तो ये वर्ड प्लस प्रपोजिशन जो कॉम्बिनेशंस हैं ये फिक्स होते हैं और इनको आप चेंज नहीं कर सकते। इनको आप चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। यहाँ पर देखिए, मैंने स्टोरी के थ्रू इन सभी प्रपोजिशंस को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, एक स्टोरी बनाई है और उस स्टोरी के थ्रू इन सभी प्रपोजिशंस को मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएं। देखिए, इफ़ यू डू नॉट अबाइड, अबाइड का मतलब है ओबे, और अबाइड के बाद हम लगाते हैं हमेशा बाय। बाय के स्थान पर आप दूसरा वर्ड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट अबाइड बाय द रूल्स यू कमिट एन ऑफेंस, यानी आप रूल्स को अबाइड बाय नहीं करते हैं, ऑबे नहीं करते हैं, तो आप एक ऑफेंस को कमिट करते हैं, एक अपराध करते हैं आप। यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, अब रिस्ट्रेन के बाद फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम एक प्रपोजिशन है तो उसके बाद आई एन जी फॉर्म आएगा, ठीक है। यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ रोल इन क्राइम्स एंड ऑफेंसेस। देर आर मैनी इन दिस वर्ल्ड हु डू नॉट इंडल्ज, मतलब उस काम में तल्लीन होना, लगना। इंडल्ज के बाद हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इंडल्ज इन क्राइम्स बट दे डू नॉट कंसिडर इट एन ऑफेंस। टू अबेट, अबेट का मतलब होता है हेल्प करना, और इसके बाद लगाते हैं हम इन। इन दिस वर्ड हु डू नॉट इंडल्ज इन क्राइम्स बट दे डू नॉट कंसिडर इट एन ऑफेंस टू अबेट क्रिमिनल्स इन क्राइम्स। दिस प्रैक्टिस इज एबोरेंट टू द मोरलिस्ट एंड पेट्रियोटिस्ट। सही बात है, यदि कोई क्राइम में इंडल्ज होता है तो ये एक एबोरेंट हो सकता है मोरलिस्ट के लिए और पेट्रियोटिस्ट के लिए, मतलब देशभक्त लोगों के लिए और मोरलिस्ट के लिए। तो एबोरेंट के बाद, एबोरेंट का मतलब होता है कि डिसलाइक किया जाएगा इस चीज को, और इसके बाद हम लगाते हैं यहां पर टू। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एबसेंट, अब देखिए एबसेंट के बाद हम लगाएंगे फ्रॉम। अ फ्यू स्टूडेंट आर एबसेंट फ्रॉम क्लासेस ओनली टू कमिट अ रॉबरी समवेयर बट गुड स्टूडेंट शुड एब्सटेन। एब्सटेन मतलब इस चीज से बचना चाहिए, और एब्सटेन के साथ भी आप फ्रॉम लगाएंगे यहां पर, और एब्सेंट के साथ भी फ्रॉम लगाएंगे। At times I wonder why the world abounds in crimes. कभी कभी मैं आश्चर्यचकित करता हूँ कि इस संसार में इतना सारा क्राइम क्यों है। Abounds का मतलब है कि किसी चीज़ का अधिकता में होना, और इसके बाद आता है in या with, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो एक स्टोरी के थ्रू मैंने इन प्रपोजिशंस को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और यहाँ पर ये सेकेंड स्टोरी है। हाउ मेनी ऑफ अस कैन अडेप्ट टू चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस। चेंज एडप्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। मोस्ट ऑफ अस बिकम क्वाइट अडिक्टेड, अडिक्टेड के बाद हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। मोस्ट ऑफ अस बिकम क्वाइट अडिक्टेड टू इनर्शिया, वी आर अडेप्ट, ठीक है। और यहां पर है आपका अडेप्ट, ADEPT, इसका मतलब होता है हाईली स्किल्ड, और अडेप्ट के बाद हम लगाते हैं एट। We are adept at making up excuses for our reluctance, मतलब unwillingness to change. Do you think we should be admired for this laziness of ours? क्या आपको लगता है कि इस laziness के लिए हमारी प्रशंसा होनी चाहिए? It is not enough that we merely admit to, मतलब केवल इतना काफ़ी नहीं है कि हम अपने fault को admit कर लें, स्वीकार कर लें, इससे आगे भी हमें बहुत कुछ करना होगा। तो ऐसी stories के through, इनोवेटिव मेथड्स के थ्रू मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझाऊंगा, और वोकैबुलरी को भी मैं इनोवेटिव मेथड से बताऊंगा ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो क्लास का सेकंड पार्ट शुरू होगा, और इसमें हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो आपको वोकैबुलरी बताई है, यहाँ पर मैंने ये तीन वर्ड लिए हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी कॉमनली फ्रेज रिप्लेसमेंट में, सेंटेंस करेक्शन में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पूछे जाते हैं कॉमनली। जैसे लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन आए थे IBPS, PO और क्लर्क में। तो ग्रामर का पोर्शन बैंकिंग एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, केवल उसकी अप्रोच चेंज हो रही है, उसको अलग तरीके से पूछते हैं। अब देखिए, लाई का मतलब होता है लेटना या पड़े होना, ठीक है। यदि इस सेंस में आप लाई को यूज़ करते हैं तो उसकी तीनों फॉर्म इस तरीके से होंगी, लाई, ले और लेन। लाई को यदि आप लेटना या पड़े होना के सेंस में यूज करते हैं तो उसकी तीनों फॉर्म है इस तरीके से होंगी, फर्स्ट फॉर्म लाई होगी, सेकंड फॉर्म ले होगी, और थर्ड फॉर्म लेन होगी। झूठ बोलने के सेंस में यदि आप लाई को यूज करते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लाई होगी, सेकेंड फॉर्म लाइड होगी, और थर्ड फॉर्म लाइड होगी।
यदि इसकी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। और बिछाना और आधारशिला रखना, इस सेंस में आप इसका यूज करते हैं तो ले फर्स्ट फॉर्म होगी, लेट सेकंड फॉर्म होगी और लेट थर्ड फॉर्म होगी। तो देखिए इससे कितने सारे सेंटेंस आपके बन सकते हैं। इस एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस बताए हैं, इनोवेटिव मेथड इसको इसमें अप्लाई किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर द बॉडी ले और लाइट फेस डाउनवर्ड ऑन द ग्रास, तो एक सेंटेंस है ये, और इस सेंटेंस में मैंने दो ऑप्शन दिए लाइट और ले। तो क्या आएगा यहाँ पर, लाए आएगा या लेड आएगा, लाइट आएगा या ले आएगा? तो सेंटेंस बोल रहा है कि द बॉडी ले फेस डाउनवर्ड्स, फेस किसका होता है, फेस तो बॉडी का ही होता है, ठीक है। बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी जिसका फेस नीचे की तरफ था, ग्रास में, घास में एक बॉडी पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, जिसका फेस नीचे की तरफ था। तो लाइट का मतलब तो झूठ बोलना होता है, ठीक है। तो इसलिए लेटने के सेंस में इस सेंटेंस में हम ले का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ले जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ले। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द अबे लाइज इन रूइंस टूडे, मतलब अबे मतलब मोनास्ट्री को हम बोलते हैं, बिल्डिंग या चर्च को बोलते हैं, और ये सिंगुलर है, तो चूंकि ये सिंगुलर है तो इसमें हम लगाएंगे लाइज, लाई नहीं लगाएंगे, इसलिए लाइज यहाँ पर सही होगा। He was familiarizing himself with the lie of the street. With the lie of the street का मतलब है कि street की जो position है, जो direction है, जो situation है, उसके साथ वो अपने आप को familiarize करने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक phrase है, with the lie of, ठीक है। तो ये sentence आपका सही है। ये sentence देखिए, if she told you exactly the opposite of what she told me, she must be lying in her teeth. In her teeth का मतलब है पूरे तरीके से, वह झूठ बोल रही है पूरे तरीके से। यदि उसने आपको कुछ और बताया है और मुझे कुछ और बताया है तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो झूठ बोल रही है। और झूठ बोलने के लिए क्या वर्ड है, लाइंग को हम क्या बोलेंगे, लाइंग, लेइंग नहीं बोलेंगे। लेइंग का मतलब होता है बिछाना या आधारशिला रखना, ले, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा लाइंग, ये इस तरीके से लाइंग सही आंसर होगा। तो देखिए कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, दे आर लेइंग अ पाइपलाइन अंडर द सरफेस, वो सरफेस के नीचे पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो लाइंग का मतलब तो झूठ बोलना होता है, तो इसलिए यहां पर सही आंसर होगा आपका लेइंग। आगे देखते हैं, दे लेड हिम इन द ओल्ड चर्च यार्ड, मतलब उन्होंने उसको ओल्ड चर्च यार्ड में लिटा दिया या रख दिया, ठीक है। तो यहां पर हम इसको इसके लिए यूज करेंगे लेड, उन्होंने रख दिया, मतलब जैसे आधार सलाम रखते हैं, किसी चीज को बिछाते हैं, तो उसी सेंस में ये यूज हो रहा है। तो यहां पर आएगा लेट, और ले का मतलब होगा कि वो लेटा हुआ था, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि हमने उसको रख दिया या बिछा दिया या जमीन पर उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया। तो यहां पर लेड आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये है पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट, और ये काफी कॉमनली बैंक क्लर्क में, IBPS PO में, SBI PO में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो इसके बेस पर कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, द ले ऑफ द सराउंडिंग कंट्री साइड, द ले ऑफ द सराउंडिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब गांव का जो एरिया है। तो ले का यहां पर मतलब है कि उसका जनरल अपीयरेंस कैसा था, वो चीज दिखने में कैसी थी, तो इसलिए ये सेंटेंस यहां पर करेक्ट है। तो ये एक बहुत अच्छा वर्ड है ले, और यहां पर मैंने इसको सभी तरीके से इसको यूज करके बताया है। हालांकि आपको रीडिंग कंटिन्यूस बेसिस पर करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि एक ही वर्ड अलग अलग सेंसेस में, कई सारे सेंसेस में यूज होता है, और वो जो नैक है, वो जो आपके अंदर आएगा कि किसी भी किस सेंटेंस में किस वर्ड को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है या किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किया जा रहा है, उसको वो सारी जो स्किल है वो आती है रीडिंग से। इसलिए सभी लोग सजेस्ट करते हैं, सारे टीचर सजेस्ट करते हैं कि आप रीडिंग करें रेगुलर बेसिस पर और उसको समझें, मतलब समझते हुए रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन आप करें, चाहे आप हिंदू पढ़ें चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, लेकिन रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश के सेक्शन को निकालने के लिए, क्योंकि उसके थ्रू आपको पता पड़ता है कि किस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में और किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। तो ये आप ज़रूर करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रपोजिशन का कुछ पार्ट और वोकैबुलरी को किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे बैंकिंग एग्जाम में, वो मैंने आपको बताया है, और ये क्लास 1 है। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन करना चाहें उनके लिए वेबसाइट पर, वेबसाइट ये है,
www.bankerspoint.org, यहाँ पर जाके उनको साइन अप करना है और रजिस्टर करना है, और उसके बाद इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर डिटेल के लिए आप मुझे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं और अपना कमेंट दें, अपना फीडबैक दें, ताकि हमें पता पड़े कि किस तरीके से और इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सभी एग्ज़ाम्स में सफलता मिले। और ये भी हमारी वेबसाइट है www.letsstudytogether.co, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगा। तो इस साइट को आप विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं, डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।